हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मिक्स एक दूसरे को शॉपिंग कराते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एवरीबॉडी हैज इट्स बजट। आजकल के दौर में तो पॉकेट देख के ही बंदा कर रहा ना शॉपिंग। अच्छा ये बताएं, खावंत ने आपकी शॉपिंग कर ली? जी कर ली। अरे वाह, उन्होंने कर भी ली, उनका एक ही तो सूट आना था। कमाल हो गया, उन्होंने कर ली, उनका एक ही तो सूट आना था। नहीं, हस्बैंड ने कहा है कि मेरी पॉकेट बड़ी खाली हो गई है अब बस। अच्छा, फैशन तो कुछ भी चल जाता है, आप कुछ भी कह लें फैशन है, पहन ले कुछ भी और कह दे फैशन है। अब ज्यादा होता है क्या, फैमिली के लिए चीजें लें, घर के बच्चों के लिए चीजें लें, अपने लिए बंदा एक सूट लेके ईद गुजार। है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कुछ तो बोलो मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन नाज़िम। जैसे कि आप जानते हैं कि ईद आने वाली है, तो इसी वजह से लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ईद को लेके कितने पुरजोश है, कितनी तैयारियां कर ली हैं, ईद के कितने ड्रेस खरीद ली हैं अभी तक, और इसके साथ साथ ईद कैसे गुजारने का इरादा है, घर पर दावत करने का या कहीं दावत पर जाने का, और इसके साथ साथ जो ईद की तैयारियाँ की जा रही हैं, ईद की शॉपिंग की जा रही है, वो ट्रेंड को देख कर की जा रही है या अपनी जेब को, तो इन सब सवालों का जवाब जानेंगे यहाँ पर लोगों से कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़िम, जैसे कि हमने इनसे पहले लोगों से बात की, उनमें खावंत इनका यही कहना था कि अभी बच्चों की शॉपिंग पूरी हो गई है और हमारी अभी रहती है और खावंत की तो अभी देखा जाएगा। तो हमारे एक और लेडी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महरीन। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की शॉपिंग कर ली? हाफ, अभी हाफ रहती है, कपड़े रहती हैं, जूते रहते हैं अभी। ये बताइए किस तरह का ट्रेंड इस समय चल रहा है? कलर्स के हिसाब से देखा जाए तो मुख्तलिफ कलर, लोग प्रेफरेंस है कि कौन सा कलर हम लोगों ने पूरी, कौन सा कलर ज़्यादा, लैलक कलर और मजेंडा जो आपने पहना हुआ है। अच्छा, और इसके अलावा फैशन डिज़ाइन किस तरह का? लॉन्ग शर्ट्स ज़्यादा चल, और नीचे फ्लैपर प्लाजो, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। कभी शॉर्ट शर्ट का फैशन रहता है, कभी लॉन्ग का, जिस टाइम चल रहा है वो लॉन्ग शर्ट। लॉन्ग फ्रॉक है? नहीं, फ्रॉक्स भी हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। मिला जुला रुझान है, हर बंदा अपनी मर्जी से पहनता है। तो अगर हम अपनी वालदैन का देखें कोई उस वक्त का फैशन, तो वहाँ पे अगर लॉन्ग शर्ट होती सबने लॉन्ग ही सिलवाई थी, अब मिक्स चल रहा है, ऐसा क्यों मिक्स चल रहा है? क्योंकि डिफरेंट जनरेशन इकट्ठी हो गई हैं। अब आप देखें ना, मेरी अम्मी हैं, फिर मैं हूँ, फिर आगे मेरे बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली देर आर 3 जनरेशन, तो हर बंदे की अपनी मिजाज के मुताबिक चॉइस है। बच्चे जो हैं वो देखा जाए पहनना चाह रहे हैं, वेस्टर्न की तरफ भी जा रहे हैं, जीन्स के साथ लंबे कुर्ते पहन रहे हैं। हम लोग जो है वो एक मिडिल एज में हैं, तो वालदैन को देखते हैं, पहले देखते हैं उनकी पिक्चर्स देखते हैं, तो देखते हैं उस वक्त हेयर स्टाइल का भी बड़ा ट्रेंड होता था, कभी आगे से कर्ल्स, कभी फुल कर्ल, कभी फ्लफी हेयर्स, तो इस टाइम देखे तो फ्लिक्स कटे होते थे, उसका बहुत फैशन था उस वक्त। तो अब देखे तो कुछ भी स्ट्रेट भी हैं, लेयर्स भी हैं, फॉरवर्ड कटिंग भी है, शॉर्ट हेयर्स भी हैं। अब पता है क्या, लोगों में अवेयरनेस आ गई कि वो अपने सूट करता है, आपके फेस कट को जो सूट करता है, आपके कलर कॉम्बिनेशन को जो सूट करता है, फेशियल कलर को, उस तरह से फिर करता है। आप किस तरह के कलर स्टाइल पहनना चाहते हैं? मेरी जो चॉइस है वो ये है कि बच्चे जो है, हम लोग फैमिली में ना तीनों एक जैसे कलर पहनते हैं। अरे वाह, ये बहुत ज़बरदस्त। पहले दिन हम तीनों एक जैसा रंग पहनते हैं, फिर दूसरे दिन वेरी करता है। क्या लॉन्ग शर्ट्स वगैरह या पहनते? लॉन्ग शर्ट्स ही पहनते हैं। ये तो तीनों दिन की शॉपिंग होगी ऑलमोस्ट, सिर्फ शूज़ रह गए हैं। क्या ईद पे क्या करने का इरादा है? किसी की दावत खाने का इरादा है या किचन में काम करने का? आपको पता है पहले दिन वालदैन की तरफ जाना होता है, ये तो रस्म है। दूसरे दिन फिर हमारे घर लोग आते हैं, तो बस ऐसे ही है। एक दिन हम दूसरे को किचन में भेजते हैं, अगले दिन खुद किचन में बर्तन किचन में जाते हैं, लेकिन हम जरा डिफरेंट है, हम लोग एक दिन पहले प्रिपेयर करके रखते हैं ताकि इंजॉय भी कर सकें। काफ़ी मूवीज भी आ रही हैं, तो मूवीज वगैरह देखने जाते हैं आप ईद पर? नहीं, ईद पर अवॉइड करते हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग भी अगर अपनी देखें तो हमारे भी ही कहते हैं रश बड़ा होगा, टिकटें नहीं मिलेंगी, बंदा बंदे पे होगा, रश बहुत होगा, तो इसलिए नहीं जाते। तो अगर हमारी तरह सारे सोचते हो तो क्या पता उधर रश ही ना हो। हाँ नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो फैमिलीज हैं ना, वो रश अवॉइड करती हैं, लेकिन कुछ बिंदास भी हैं, देखो जाती हैं। अच्छा, एडवेंचरस है, ऐसा ही है। ये बताएं, ईद की शॉपिंग अपनी पॉकेट देख के कर रही हैं या अपनी पसंद या ट्रेंड? देखो बेटा, हम जो है वो तीनों माँ बेटियाँ फैमिली रन कर रहे हैं, आई एम अ सिंगल पेरेंट, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मिक्स एक दूसरे को शॉपिंग कराते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एवरीबॉडी हैज़ इट्स बजट। तो
बजट देख कर। यस थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। तो जी नाजी, जैसे कि हम इनसे बात की, इनका ये कहना था कि ईद पर हम एक दिन अपने घर गुजारेंगे, एक दिन कहीं पे जाके खाएंगे पिएंगे। और इनका ये भी कहना था कि अगर हम शॉपिंग की बात करते हैं तो शॉपिंग जो है वो अपने बजट को देख के की है हमने, और पसंद को देख के, इतनी पसंद भी थोड़ी सी मैटर करती है लेकिन ज़्यादा हम अपनी पॉकेट का देखते हैं। मुझे लोगों की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाजी, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये था कि ईद को कैसे स्पेंड करने का इरादा है, कितनी शॉपिंग कर ली है, जेब को देख कर शॉपिंग कर रहे हैं या पसंद को, तो हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं। सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। नाजी, इनकी जो वाइफ है ना वो शॉपिंग में थोड़ी बिजी है, तो हमें ये मिले, इनसे हम बात कर लेते हैं। ये बताएं इनकी शॉपिंग कितनी करी? अभी तो स्टार्ट किया है, तो महंगाई इतनी है कि अफोर्डेबल ही नहीं है। वाइफ ने शॉपिंग कर ली अपनी? नहीं, अभी कर रही है। अभी बच्चों की होगी? वो भी अभी करनी है। क्या इरादा है? महंगाई तो नो डाउट बहुत ज़्यादा है, तो महंगाई में क्या सोचा है? ईद पे एक दिन का अच्छा सूट, न्यू सूट लेना है या दो दिन का ही, तीन दिन? पहले जहाँ चार पांच सूट लेते थे वहाँ पे अब एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा तीन, इससे ज़्यादा अफोर्डेबल ही नहीं है। ये बताइए, खवातीन तो शॉपिंग पहले कर लेती हैं, मर्द बेचारा रह जाता है, आपने क्या सोचा हुआ है? शॉपिंग करनी है, हुई तो हुई ना हो इतना। नहीं, मर्द के लिए एक ही सूट काफ़ी है, एक सूट सिलवाया और वही पहननी है ईद की नमाज। मर्दों को दिल नहीं करता उनके तीन तीन चार चार सूट हो, ये एक दिन कोई और बन के दे, फिर एक दिन कुछ और बन के। नहीं, लेडीज के लिए ज्यादा होता है कि वो जितनी ज्यादा शॉपिंग कर लें उतनी थोड़ी है उनके लिए, मर्द के लिए एक ही काफी है। अच्छा, ये बताएं आपकी वाइफ जो है वो शॉपिंग आपकी पॉकेट देख के कर रही है या अपनी फेवरेट जो चीज अच्छी लग रही है उसको देख के कर रही है, ट्रेंड देख के कर? आजकल के दौर में तो पॉकेट देख के ही बंदा कर रहा है ना शॉपिंग, तो पॉकेट देख के ही कर रही है वो। ये आपकी बेटी है जी? माशाल्लाह। ये बताएं किसी को कोई अच्छी नाद पॉइंट कोई अच्छी सुना देगी? पॉइंट सुना देगी। चलो ठीक है। ये नाजी बड़ी प्यारी सी बच्ची है, इससे बात करते हैं हम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो? प्यारी हो? ये बताओ पॉइंट कौन सी आती है? पॉइंट कौन सी आती है? मम्मी मम्मी ट्विंकल ट्विंकल सुना दो। चलो कैमरे में देख के सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई मेन टू विद यू, अप गवास बस ओ लाइक इट आई मेन। क्लैप कर लेते हैं, इतनी प्यारी आपने पोइम पढ़ी है। ये बताओ और क्या आती है, कौन सी क्लास में हो? मिस अलूसा की। कितनी क्यूट है, सब ने पूछा कौन सी क्लास में, कहती है मिस अलूसा की क्लास में। मिस मारती है, प्यार करती है? कैसे प्यार करती है? कभी चॉकलेट खिलाई है नीचे ने आपको? थैंक यू सो मच। तो जी नाजिन, जैसे कि कितनी क्यूट सी बच्ची थी, इसने हमें बहुत अच्छी सी जो पॉइंट थी वो सुनाई। और जब मैंने उससे पूछा कि कौन सी क्लास में पढ़ती है, तो इसका ये कहना था कि मिस हरूसा के क्लास में जो है मैं पढ़ती हूँ। और अगर इनके वालिद की बात की जाए तो उनका ये कहना था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस टाइम जेब को देख के हम शॉपिंग करने आए हैं, पसंद तो अभी थोड़ी दूर के बाद, जेब जितनी होगी उसी लिहाज से जो है शॉपिंग करेंगे। हमसे लोगों की तरफ चलते हैं, जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाजिन, जैसे कि आज हम ईद के हवाले से लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछ रहे थे कि ईद कैसे गुजारनी है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड को और पसंद को देख के शॉपिंग कर रही है या जेब को। तो हमारे साथ दो ब्यूटीफुल से लेडीज मौजूद हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। आपका नाम? अलीना। और आपका? मीरब। क्या करती हैं? मैं बी एस इंग्लिश कर रही हूँ। और आप? मैंने अभी सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं। सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं। ये बताएं आज आप लोगों ने बड़ा मैच मैच पहना हुआ है, बाई चांस मैच हुआ है या खुद किया? खुद किया। खुद किया। पक्की बात है जी? पक्की बात। ये बताएं ईद कैसे गुजारने का, मतलब कि शॉपिंग करके? ईद वाले दिन शॉपिंग करेंगी? नहीं नहीं, ईद ईद वाले दिन अच्छे अच्छे खाने पका के। खाना पकाना आता है? जी आता है। क्या अच्छा पका लेते? सारा कुछ बना लेते। ईद पे आपने पकाने खाना? नहीं, मतलब कि इतने ईद वाले दिन प्यारे प्यारे कपड़े पहन के आपने खाना कहीं ख़राब नहीं देंगे कपड़े? नहीं, पहले खाना बना लेंगे। सेल्फीज कब अपलोड करेंगे? जब कपड़े वगैरह खाना बना के कपड़े पहन के फिर सेल्फीज वगैरह बना लेंगे। अरे वाह। और आप? मैं क्या? कैसी स्पेंड? मैं खाना खा के। और ये खाना बनाएंगे और आप खाएंगे? हाँ मैं खाऊंगी। दुख नहीं होगा कि मैं खाना बना रही हूँ? दोनों मिलके बनाएंगे ना। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ईद वाले दिन आपने घर में सबको खुद कहीं जाएंगी या इनवाइट करेंगी? इनवाइट करूंगी। पहले दिन इनवाइट, दूसरा दिन इनवाइट ही करूंगी क्योंकि इकट्ठे ही होते हैं हम लोग। अच्छा, इतने कोई मूवी शूवी देखने की कोई प्लान नहीं है? नहीं, फिलहाल तो नहीं। और आपका? घर में बैठ के देख लेते हैं सारे मिलके। सारे मिलके देख जी। ये अब तक ईद की शॉपिंग कितनी कर दी है? शूज रह गए हैं बस। तीन दिन की शॉपिंग हो गई जी। ये बताएं फैशन क्या चल रहा है? फैशन आजकल शॉर्ट शर्ट्स चल रही हैं और खुले ट्राउजर जो होते हैं।
शॉर्ट शॉर्ट चल रही हैं, ये बताएं आपने क्या भी चल रही हैं, लॉन्ग भी चल रही हैं, आपने क्या ली? मैंने लॉन्ग शर्ट ली और साथ में ट्राउज़र है, ट्राउज़र लिया। अच्छा आप ये बताएं, ईद की तो शॉपिंग आपने कर ली? नहीं अभी नहीं मैंने की। उन्होंने कर ली, आप? मैं अभी करने आई हूँ। कितने दिन के अभी तक? अभी तो कोई भी नहीं गई। कोई भी नहीं, क्या लेने गई? पता नहीं, देखूँगी। क्या फैशन क्या देख रही हैं आप? कुछ भी नहीं अभी तो, मैं देखूंगी तो। अभी देखनी ही है। अच्छा ये बताएं कि ईद की तो शॉपिंग आप करने ही लगी हैं, तो जेब देख के करेंगी या पसंद देख? जेब देख कर। और आप? जेब बताना है, पसंद आएगी तो ठीक है या जेब देख कर? दोनों चीज़ें देख के। दोनों चीज़ें? दोनों। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताएं आप में कोई टैलेंट उलेंट छुपा टैलेंट है? आर्ट का। क्या बना ली? हर एक चीज़, पोस्टर्स वगैरह कुछ भी आपके आगे रखते तो आप बना लें जी। और आप में कोई टैलेंट? नहीं कोई भी नहीं है। टैलेंट उबरना है, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इन दो ब्यूटीफुल सी जो लेडीज़ थी इनसे बात की, एक में टैलेंट था आर्ट का था, दूसरी में अभी टैलेंट नहीं है लेकिन उम्मीद करती हूँ वो भी आ जाएगा। और रही बात शॉपिंग की, एक ने शॉपिंग कर ली और एक की रहती है, और इनका भी यही कहना था कि हम जेब को देख के जो है शॉपिंग करेंगे, पसंद बाद में रखेंगे। मजे लोगों की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये है कि ईद आने वाली है, तो ईद को लेकर लोग कितना खुश है, कितनी शॉपिंग कर ली है और क्या ट्रेंड को देखकर शॉपिंग कर रहे हैं या अपनी जेब को। तो हमारे एक प्यारा सा बच्चा मौजूद है और साथ अपने वालिद, इनके साथ इनके वालिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? डॉक्टर इमरान अब्दुल सत्तार। आपका? अयान। क्या करते हो? क्रिकेट खेलता। क्रिकेट खेलते हो, ये बताओ फेवरेट क्रिकेटर कौन है? शाहीन शफी। और जो ऐसे क्रिकेटर जो आपके ये सही नहीं खेलता, बस ऐसे ही है? नसीम। नसीम तो ही सही दिल से खेलते हैं। कोई उनको एडवाइस देना चाह रहे हो कैसे खेला करो? स्लो बॉल कराते हैं। स्लो बॉल कराते हैं, तो फास्ट कैसे वो किराया करें? जैसे कराते हैं। कैसे कराते हैं ये बताएं, लास्ट टाइम जो मैच हुआ वो आपने देखा? किस किस के साथ था? आप कौन सी दो आपस में थी? मुल्तान सुल्तान ने लाहौर के अंदर। तो मुल्तान सुल्तान ने कैसे खेला था? अच्छा खेला था और हार गए थे। अच्छा खेला था और हार गए थे। तो मुल्तान सुल्तान की टीम में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आप कहते हैं इसकी वजह से हम जो है ना मैच ही हारे हैं? वो रिजवान। रिजवान की वजह से? रिजवान अच्छे खेला था। अबुल हाट वो नहीं अच्छा खेला था। तो जी नाज़रीन, इनको बड़ी छोटा सा बच्चा है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन है मैच कौन सही खेला है कौन नहीं सही खेला, लास्ट टाइम किन पार्टीज के आपस में जो थी मैच हुआ था। अच्छा ये बताओ, घर में जब मैच देखते तो मामा ये नहीं कहती बेटा होमवर्क कर लो, स्टडी पे ध्यान रखो, तुम क्या मैच देख रहे हो? मैं मैच ही देखता हूँ। तो पढ़ते नहीं हो? पढ़ता हूँ थोड़ा सा। ये आपकी वालिद से हम पूछे सामने जी। सर ये बताएं, मैथ्स में इसका काफ़ी इंटरेस्ट है, तो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई में ध्यान होगा या मैच में होता है? मैच में होता है, पढ़ता भी है। मैच में के ध्यान मैच ध्यान मैच में ही होता है जी। तो खुद भी खेलते हो? जी खेलता है। कैसा खेलता है? अच्छा खेलता है। तो ईद पर इतनी कराता हूं ना फुल अच्छे। कोई एक आध डेमो दिखा सकते हैं फास्ट फूड का कोई एक्शन करके? ऐसे भाग के वहां से एक भाग के दिखाएं ना। अरे वाह अरे वाह, बच्चे ने अपनी सारी जान है जो है उसने लगा ली। ये बताओ शॉपिंग कर ली? कर ली। मम्मा कर रही है ईद? अच्छा मम्मा कर रही हैं, अपनी कर रही हैं? और मेरी बहन भी। बहन कर रही है साथ। कहते हैं लड़कियां फटाफट शॉपिंग करती हैं, लड़के बेचारे की हो ना हो बस। लिबर्टी स्पोर्ट्स जा रहा था। कहाँ जा रहे हो? लिबर्टी स्पोर्ट्स। तो ईद पर क्या मैच खेलने का इरादा है या ईद एंजॉय करना, फैमिली में जाना खाना पीना? मैच भी खेलूंगा। मैच भी खेलोगे जी। अच्छा ये बताएं, आपकी वाइफ ने शॉपिंग कर ली? जी कर रही है वो। वाइफ जेब देख के शॉपिंग कर रही है या ट्रेंड देख कर या पसंद देख? पसंद देख के जी। अच्छा जेब नहीं। आपको क्या लगता है कि इतनी महंगाई है तो वाइफ को पसंद देख के शॉपिंग करनी चाहिए या ट्रेंड को देख और पसंद को देख? पसंद को, पसंद से करते हैं, पसंद से करती है वो जी शॉपिंग जी जी। आपने इसकी शॉपिंग कर ली? नहीं मैंने नहीं की अभी। अच्छा आदमी बेचारे रह ही जाते हैं। ये बताएं आपने ईद के कितने सूट सिलवाने? दो ही सिलवाऊंगा मतलब। और वाइफ को कितने बना? ये पता जितना उनका दिल करेगा जी, जितना उनका दिल। थैंक यू सो मच। ओके।
तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमें एक बच्चा मिला जिसका ये कहना था कि उसको मैच की जो है वो तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कौन अच्छा खेल रहा है, कौन अच्छा नहीं खेल रहा, इसके अलावा फास्ट बॉलिंग कैसे कराती है वो भी आपने देख ली। हम जी लोगों की तरफ चलते और जानते हैं कि ईद की शॉपिंग कितनी कर ली है, 3 डेज के सूट अपने लेंगे या 2 डेज के लेंगे, और इसके साथ साथ ट्रेंड को देख के शॉपिंग कर रही हैं या पसंद को या जेब को। तो चलते हैं उन लोगों से बात करते हैं। तो जी नाज़रीन, जैसे कि इनसे पहले हमने बात की जिसमें बच्चे ने बहुत अच्छा हमें क्रिकेट के बारे में बताया, तो एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूं। बोला ये बताएं, ईद आने वाली है, कितना खुश है? जाहिर है बहुत खुश है। रोजे क्या सोचा हुआ, ईद कैसे गुजारनी है, इधर उधर जाके गुजारनी है, घर में मेहमानों को बुला कर किचन में गुजारनी है? ऐसा ये फर्स्ट डे तो जाहिर है सब आते हैं हमारे घर, फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड। आप जाते हैं? हाँ जी। इसी आपको दिल नहीं करता फर्स्ट डे हम दे सेकंड थर्ड डे? नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा लगता है, अपने घर में गुजारनी चाहिए फर्स्ट डे, एक दिन तो गुजारना चाहिए ना। ठीक है, खवातीन का तो ज़्यादा आपस में इस तरह मिल कर गुजर जाता, कभी आगे कोई चला गया तो घर में शोहर किस तरह टाइम स्पेंड करेंगे? वो भी मेहमानों के साथ ही और दोस्तों के साथ चले जाएं? नहीं नहीं, वो घर में ही होते हैं। ये बताइए, इसकी शॉपिंग कर ली है? थोड़ी सी की है, सिर्फ अपनी बेटी की है आज ना, तो इसीलिए ये मेरे से नाराज़ है। बच्चा अच्छा, अपनी बेटी की है, बेटा जरा पीछे रह गए। ये तो आपने अपने हस्बैंड की कर ली? नहीं अभी नहीं। वो नहीं नाराज़ नहीं। अच्छा ये बताएं कि ईद के 3 दिन की शॉपिंग करनी है, एक दो दिन? 2 दिन की। 2 दिन। बच्चों को क्या कहना है कि उन्होंने 3 दिन की शॉपिंग करनी है 2 दिन की? बच्चे तो आपको पता है जाहिर है कहते हैं कि हमारी 3 दिन की शॉपिंग करें, ऐसे ही है। कितने दिन की शॉपिंग करनी है? सामने आओ। 3 दिन की। तो मामा से नाराज़ हो? जी। के मामा ने बहन की शॉपिंग करा दी, आपकी नहीं कराई? हाँ जी। नाराज़ हुए तो क्या मामा से बात नहीं करते, चीज़ें फेंकते, खाना खाना छोड़ देते हो? बात नहीं करता। बात नहीं करता, अच्छी बात ये कि आपका सर ही नहीं खाता? अभी जब से आया ना तब से ये सर तो खा ही रहे कि मुझे मेरी शॉपिंग करे, मेरी मैं। लेकिन यहाँ पे ना क्या खरीदना है, किस तरह का ट्रेंड देख क्या खरीदना चाह रहे हो? शलवार कमीज वगैरह। शलवार कमीज लेनी है? हाँ जी। किस कलर की? ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर की लेनी है? और आपने इसको क्या लेके? नहीं मैं जो कहेगा वही लेके दूंगी, लेकिन यहाँ पे ना मुझे मिला नहीं, यहाँ पे ज़्यादातर आपको पता है लेडीज की शॉपिंग। जेब देख के शॉपिंग कर रही है या पसंद देख? बच्चों की तो पसंद देख के मैं करूँ, अपनी पॉकेट देख। हाँ जी, बच्चों ईद तक ना बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी जमा की होती है, मेरे पे ज़्यादा बर्डन नहीं होता। अरे वाह वाह वाह, हमें कोई ऐसे लोग भी मिले, बच्चे मिले जो कितनी, ये बच्चों के लिए मैसेज है कि ईद तक के लिए अपनी जो पसंद की चीज़ें लेनी होती है थोड़े से पैसे भी जोड़ के रखा करो, ताकि ईद तक कुछ पेरेंट्स के पैसे कुछ अपने पैसे से अपनी पसंद की चीज़ें खरीद के दूसरों को जेलस कर सके। अच्छा ये मुझे बताओ, नात आती है? हाँ जी आती है। कौन सी आती है? हस्बी रब्बी। अरे वाह, सारी पढ़ो। हस्बी रब्बी जन्नल्ला माफी कल्बी गैरुल्ला नूर मोहम्मद सल्लल्ला इलाहा इल्लल्ला। हस्बी रब्बी जन्नल्ला कल्बी गैरुल्ला नूरे मोहम्मद सल्लल्ला इलाहा इल्लल्ला। माशाल्लाह। ये बताओ क्लास में कभी पढ़ी है नात? हाँ जी। टीचर क्या कह के अप्रिशिएट करती? कुछ भी नहीं कहती, चॉकलेट शॉकलेट नहीं खिलाती कि बेटा इतनी प्यारी नात पढ़ते हो? नहीं करते। अच्छा तो इसके अलावा कुछ हो रहा था आपको, इसके अलावा कोई और नात जो आपको बड़ी पसंद हो? नहीं। और गेम कौन सी खेलते हो? क्रिकेट। अरे सारे क्रिकेट के दीवाने हैं, हॉकी क्यों नहीं खेलते? बस अच्छी नहीं लगती। अच्छा, अब हमारा कौमी खेल कौन सा है? हमारा कौमी हॉकी। कौमी खेल हॉकी, तो खेलते क्यों नहीं है? वैसे दिल ही नहीं करता। कबड्डी खेली कभी? कबड्डी हाँ जी। हाँ जी, कैसे खेलते हैं? पकड़ना होता है एक दूसरे को, पकड़ पकड़ाई होती है। हाँ जी। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि बच्चे ने बहुत खूबसूरत सी जो नात थी वो परी, वो आपने सुन ली, और उनके वालदा से जब मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि ईद की जो शॉपिंग है वो भी बच्चे कर रहे हैं, मैंने भी थोड़ी सी की और मेरे हस्बैंड ने भी बिल्कुल नहीं की। तो जैसे कि खवातीन हमेशा शॉपिंग में आगे होती हैं और जो खावंद बेचारे वो पीछे रह जाते हैं। मज़े लोगों से बात करते और जानते हैं कि ईद की उन्होंने कितनी शॉपिंग कर ली है और किन किन की रह गई, और ट्रेंड को देख के शॉपिंग कर रहे हैं, पसंद को देख के कर रहे हैं या जेब को देख के करते हैं। चले मेरे साथ। तो जी नाज़रीन, जैसे कि इनसे पहले हमने लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि ईद की जो शॉपिंग है थोड़ी सी कर ली है, थोड़ी सी रह गई है, और अगर बात की जाए ईद की शॉपिंग किस तरह करें, जेब को देख कर करें या ट्रेंड को देख के करें, तो ज़्यादातर का यही कहना था कि इतनी महंगाई में हम जेब को देख कर जो है वो ईद की तैयारियाँ करें, उस ईद की शॉपिंग करें। तो हमारे एक और फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम?
मेरा नाम रीना। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और आपका नाम? सिंथिया। क्या करती हैं? मैं स्टडी। स्टडी करते हैं। ये बताएं, ईद की शॉपिंग कर ली? अभी तो करने निकले हैं। करने निकले? हाँ जी, रेडीमेड ही रहेंगे हमने, मतलब बच्चियों कैसे होते हैं टॉप टॉप। रेडीमेड लेते कहाँ, उस वैसे लेते, पहले स्टिचिंग के भी पैसे दो, फिर डिजाइनिंग करवाओ। बिस्सिले सिलाई ले बेहतर है। किस तरह के देख रही है? बहुत फैंसी देख रही है, नॉर्मल देख रही है कि बाद में पहने जाए? सीजनल लूंगी, जो अभी चल भी जाए, फैंसी तो करने की लेने की जरूरत नहीं है। आपका कैसे लेने का? मेरा वैसे ही बस, मतलब पेंट टॉप या कुछ कैजुअल टॉप। अच्छा ये बताएं, लड़कियों को बड़ा पता होता है फैशन क्या चल रहा है, हर वक्त टिकटॉक देखती रहती हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स चल रहे हैं, लाइक फ्रॉक्स, पेंट टॉप, लाइक शलवार कमीज भी। अभी लॉन्ग शर्ट ज़्यादा इन नहीं या शॉर्ट शर्ट? लॉन्ग, आई थिंक सो लॉन्ग। आपने क्या लेना? मैंने फ्रॉक। लॉन्ग फ्रॉक नहीं, कैजुअल में हम यूनिवर्सिटी में पहन सके। हाँ। एक तीर से दो निशाने। आपने शॉपिंग किस तरह की करी? मैं तो बच्चों को पसंद, जो बच्चियों को पसंद होगा हमारे वही लेके दे रहे। तीन दिन की शॉपिंग करनी है आपने? एक दिन की? तीन दिन के। तीन दिन के भाई, खवातीन ही कॉम्प्रोमाइज करेंगी। आपने कितने दिन की करनी है? ऑब्वियसली बात है, तीन दिन। तीन दिन की? अच्छा मर्द को ये कहना है कि महंगाई बढ़ी है, हम लोगों को एक ही सूट हो जाए बड़ी, बस ठीक है, खवातीन के ले लें, बच्चे ले लें, बहुत है। तो औरतों ने कभी नहीं कहा कि इस ईद पे आप तीन सूट सिलवा लें, मैं एक सिलवा रही, तो जाए क्या याद करें? नहीं, त्यौहार बार बार नहीं आते, साल में एक ही दफ़ा आते, वो तो मस्त है। ये बताएं कि ईद पे जो शॉपिंग करेंगी आप, वो अपनी जेब को देख के करेंगी या अपनी पसंद को देख? नहीं, अपनी जेब को देख के। जेब को पसंद? बच्चों की तो, बच्चों ने नहीं पसंद। अच्छा ये बताएं, खावंद ने आपकी शॉपिंग कर ली? जी कर ली। अरे वाह, उन्होंने कर भी ली, उनका एक ही तो सूट आना था। कमाल हो गया, उन्होंने कर ली, उनका एक ही तो सूट आना था। अच्छा आप बताएं, आप छुप रहे हैं इनके पीछे, ये बताएं कि आपने इनकी शॉपिंग कर ली? नहीं, मैंने शॉपिंग नहीं की। नहीं करनी, बस ऑफिस जाते हैं, फिर अब आके ईद सो के गुजर जाएगी। कपड़े भी नहीं खरीदने? अभी तक नहीं खरीदे, बाकी समटाइम लोग कहते हैं ईद बहाना होती है, इसलिए इससे कम अज़ कम हमारे तीन कपड़े तो सिल जाते हैं ना। हमारे तो हर हफ्ते में सिलते हैं। कि क्या ट्रेंड, लड़कियों का ट्रेंड पर चल रहा है, लॉन्ग शर्ट ज़्यादा चल रही है, साथ प्लाजो चल रहे हैं, लड़कों का क्या ट्रेंड चल रहा है? लड़के तो कुर्ता पजामा ज़्यादातर कर रहे हैं, और बाकी पैंट शर्ट वगैरह भी चल रही है काफ़ी इन, मोस्टली ज़्यादा वो इटालियन साइड पैंट चल रही है, वो ज़्यादा लोग पहनते हैं। पैंट चल रही है? जी। पैंट शर्ट? जी। पैंट शर्ट में किस तरह की शर्ट चल रही है? स्ट्रेचेबल चल रही हैं, जो मतलब फिटिंग में भी आ जाती है और लूज़ भी हो जाती हैं, और आपको पता है आजकल टिकटॉक पर भी नई पैंट वगैरह चली, वो बेल्ट साथ ही अटैच हो जाती है, वो फिर बेल्ट वगैरह का भी इतना नहीं लेना पड़ता। इजी काम हो जी। ये बताएं, एक वक्त होता था मर्दों के चंद स्पेसिफिक कलर होते थे, बड़े हल्के हल्के कलर, अब लड़कों के पैरेट भी हैं, पिंक भी है, पर्पल भी है, अच्छा नहीं लगता क्या इस दौर में पैदा हुए? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा लगता है कि इस दौर में पैदा हुए हैं, बाकी पहले लाइट कलर चलते थे, अब तो हर किस्म के कलर चल रहे हैं, पैरेट भी, पर्पल भी, पिंक भी। आप बताएं मर्दों पर ये कलर होने चाहिए, पैरेट पे पिंक पर्पल हर तरह का कलर? हाँ जी होने चाहिए। चले अच्छा, आखिर में ये बताएं ईद कैसे गुजारनी है? दावत खा के गुजारनी है, घर में दावत कर? नहीं नहीं, रिलेटिव्स वगैरह सजाएंगे, बारबेक्यू वगैरह करेंगे घर पर, और बाहर वगैरह आउटिंग पे। बर्तन शर्तन धुलवाएंगे या बस औरतें नहीं देख रहा? बर्तन नहीं धुलवाएंगे, बर्तन ये धोएंगे ना। अच्छा आपको मौका मिले मर्दों से बर्तन धुलवाने का, धुलवाएंगे भाई से बर्तन? बिल्कुल भी नहीं, नहीं धुलवाएंगे, नहीं बस बहनें नायाब होती है। ये बताएं ईद पे खुद बर्तन, अच्छा बर्तन आप भी धोने वाले धोएंगे? मैं दूंगी, उनको रेस्ट देंगे? नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं होती। ले आंटी गुआ रहेगा बर्तन इसे धुलवाने, स्पेशली देख किया? नहीं नहीं, मैं खुद दूंगी, सारे काम खुद करूंगी। थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। तो जी नाजी, जैसे कि हमने इन फैमिली से बात की, बच्चे बड़े अच्छे बच्चे थे, इनका ये कहना था कि बर्तन जो है हम खुद धोएंगे, देचके छचके भी खुद धो लेंगे। और रही बात ईद गुजारने की, तो इनका ये कहना था कि ईद हम कहीं पे या सारे मिल के बारबेक्यू कर लेंगे, इस तरह इंजॉय करेंगे। और रही बात शॉपिंग की, तो वो तो जेब देख के करेंगे, जबकि बच्चों का ये कहना है कि नहीं, जेब देख के नहीं, हम अपनी पसंद देख के शॉपिंग करेंगे। तो हम जिन लोगों की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ ही रहेगा। तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मिक्स एक दूसरे को शॉपिंग कराते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एवरीबॉडी हैज़ इट्स बजट। आजकल के दौर में तो पॉकेट देख के ही बंदा कर रहा ना शॉपिंग। अच्छा ये बताएं, खावंद ने आपकी शॉपिंग कर ली? जी कर ली। अरे वाह, उन्होंने कर भी ली, उनका एक ही तो सूट आना था। कमाल हो गया, उन्होंने कर ली, उनका एक ही तो सूट आना था। नहीं, हस्बैंड ने कहा है कि मेरी पॉकेट बड़ी खाली हो गई है अब बस। अच्छा फैशन तो कुछ भी चल जाता है, आप कुछ भी कह लें, कहते फैशन है।
पहन ले कुछ भी और कह दे फैशन है। अब ज्यादातर क्या फैमिली के लिए चीजें लें, घर के बच्चों के लिए चीजें लें, अपने लिए बंदा एक सूट लेके ईद गुजार। है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक से पहले हमने लोगों से बात की और उनसे पूछा कि ईद की शॉपिंग किस तरह कर रहे हैं, जेब देख के कर रहे हैं या अपने पसंद देख के कर रहे हैं, उसके अलावा ईद पर कहीं जाने का इरादा है या घर पे इनवाइट करने का, तो उनकी बातें तो आपने सुनी। हमारे एक और खूबसूरत सी लेडीज मौजूद है, बात करते हैं। सामने वालेकुम। अच्छा वालेकुम, कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं ईद कैसे गुजारनी है, कहीं जाकर कहीं आकर? ज़ाहिर है ईद है, कोई आता भी है, कहीं जाना भी पड़ता। फर्स्ट डे कैसे गुजारी? फर्स्ट डे सब मेहमानों के लिए घर में दावतों में। दावतों में बर्तन धोकर? नहीं बर्तन नहीं, मेड है। मेड है। अच्छा ये बताएं कि ईद की शॉपिंग कितनी कर ली? बस अभी स्टार्ट की है, अब देखें कितने दिन की कर ली। एक दिन की शॉपिंग होगी? फर्स्ट डे की होगी है, ड्रेसेस फाइनल है। ये बताएं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, तो जेब को देख के शॉपिंग कर रही है या पसंद को? जेब को देख के। आप भी शॉपिंग तो देखी होगी, देख रहे हैं कितने क्या क्या ट्रेंड में आया हुआ है, तो देख के शॉपिंग मतलब कि जो शॉप्स उनको देख के क्या लगता है, क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल? ट्रेंड वैसे तो दो सालों से सेम ही है, कोई चेंज नहीं आया है, तो इसलिए नॉर्मल ही है, इतना खास ट्रेंड चल रहा है। लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट, शॉर्ट फ्रॉक टॉप चल रहे हैं, मैक्सीज का है आजकल, फॉर्मल भी सेमी फॉर्मल भी। आपने किस तरह के ड्रेस लिए? मैंने सेमी फॉर्मल लिया है। बहुत फैंसी ड्रेसेस की तरफ जा रही हैं या बस कैजुअल कैजुअल के बाद में पहना जाए? नहीं कैजुअल की तरफ, कि आप नॉर्मल में भी पहने क्योंकि आगे समर सीज़न है, तो वेदर के अकॉर्डिंग ए थी से दो निशाने जी। आप किस तरह? मैं भी सिंपल सा, क्योंकि मैं तो पसंद ही करती हूँ जो बिल्कुल सिंपल हो, जो पहने भी जाए। हस्बैंड ने शॉपिंग कर ली? नहीं, हस्बैंड ने कहा है कि मेरी पॉकेट बड़ी खाली हो गई है वो बस। अच्छा पॉकेट खाली, किसने खाली कराई है? इन्होंने करवाई, हमने मिलके करवाई है। मिलके खाली जी, मिलके खाली करवाई है। हस्बैंड ये नहीं कहते? मैंने कहा कि नहीं बाद में सही है, फिर आ जाएंगे, कल आएंगे देखने जी। तो आपने ये नहीं कहा कि चले आप भी शॉपिंग कर लें, चले एक छोटी मोटी चीज ले ले? वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे, क्यों कर लेंगे। ये बताइए आंटी, ईद पे जो है खवातीन शॉपिंग फटाफट कर लेती हैं, आदमी बेचारे की हुई ना सही? नहीं वो करती हैं, वो भी करते हैं। तीन दिन की करती हैं? नहीं नहीं, फर्स्ट डे की। आपने तीनों दिन की करनी है? जी हमने तीनों दिन की। कॉन्फिडेंस है, तीनों दिन की करनी है। अच्छा ये बताइए, औरतें बड़े टंके के चौक पे कहती है हमने तीनों दिन की करनी है, तो बेचारे मर्द को दिल नहीं होता एक दिन तुम लोग भले जाना, हम भी दो दिन की कर ले? तो नहीं होना था ना, मर्दों ने तो शलवार कमीज पहनी या पैंट शर्ट पहनी नमाज पढ़ के आके जी, वो हमने किचन भी देखना है, घर को भी देखना है, सब फ्रेंड भी देखना है, मेहमानों को भी देखना है। तस्वीरें भी अपलोड करनी, सेल्फीज फर्स्ट सबसे पहले करनी है हमें, देखो सेल्फीज फर्स्ट है। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो जी नाजी, जैसे कि बड़ी बड़ी अच्छी सी फैमिली हमें मिली जिन्होंने हमसे बहुत सी गपशप की और हमें बताया कि ईद की शॉपिंग है वो उन्होंने किस तरह कर ली है। हस्बैंड रह गए, उन्होंने इसलिए नहीं की क्योंकि इन्होंने उनके जेब खाली करा ली। हम दिलों की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाजी, हमारे कॉल लेडी मुझे उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फिलजा मलिक। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती? स्टडी। स्टडी करती है। ये बताएं ईद की शॉपिंग कर ली? रोजे से पहले कर ली थी। अरे वाह, इतने 4G? यस। अच्छा कुछ का ये कहना होता है कि हम ना ईद के लास्ट पे शॉपिंग करेंगे, डिस्काउंट मिल जाता है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं मिलता? नहीं नहीं, वो चाहिए ही नहीं। रमजान में ना मतलब इबादत डिस्टर्ब हो जाती है जब शॉपिंग के लिए निकले। अभी भी हम जस्ट अपने कजन के साथ आए हैं शॉपिंग करने के लिए। हमने शॉपिंग तो नहीं करनी? नहीं नहीं, अभी हम एक और बाजार से होकर ही आए हैं। यानी इफ्तारी पूरी हजम हो रही है? यस। ये बताएं क्या ट्रेंड चल रहा है लड़कियों का? लड़कियों का, लड़कों का तो लड़के ही बताएंगे। लॉन्ग मैक्सीज वगैरह चल रही हैं और लॉन्ग शर्ट का ज़्यादा ट्रेंड है। बिल्कुल। शॉर्ट शर्ट का भी नहीं है? नहीं इतना नहीं है, लॉन्ग का ज़्यादा चल रहा है शायद। ये बताएं कि ईद पे क्या इरादा करने का, इनवाइट करने का या कहीं जाने का? जाने का। बर्तन ही धोने का? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि इनवाइट कर खुद जाएंगे कहीं पर, कहाँ जाने का? कजन्स के घर। कजन्स को काम करवाना है? यस, उनसे बर्तन धुलवाने, खुद नहीं धोने। बारबेक्यू वो कर लेंगे? यस, मिलके करेंगे। मिलकर करेंगे। ये बताएं कि तीन दिन की शॉपिंग की है या एक दो दिन? दो दिन की। जेब को देख के शॉपिंग की है या पसंद को? पसंद। अरे वाह, पापा की बढ़िया, पसंद को देख के शॉपिंग कर। खवातीन जो मिल रही है वो कहती है नहीं भाई हम शोर की जेब देख के कर रहे हैं, लेकिन जो हमें लड़कियाँ मिल रही हैं वो कहते हैं जिनके वालिद ने लेके देना है, भाइयों ने लेके देना, वो कहते हैं नहीं नहीं पसंद। नहीं मैंने मिलकर की है, मतलब पॉकेट को भी देखे और आगे, लेकिन बाबा ने कहा है कि जो लेना लो। आपने फिर वो ले लिया? ले लिया। बाबा ने मी भी दिल रखने के लिए कहा? नहीं, वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और
जो भी हम कहते हैं वो लेकर देते हैं, वो लेकर देते हैं। ये नहीं, लोग ईद पर मूवीज वगैरह भी देखने जाते हैं, आप जाएंगी? नहीं, वही कहेंगी कि रश भरा होना, फैमिली मॉल नहीं होना। हाँ बिल्कुल, हम नहीं जाते, नहीं जाते पर। नहीं, हम गांव चले जाएंगे या कजन्स के घर चले जाएंगे। हाँ लेकिन जब वन वीक चला जाएगा देन हम लोग फिर जो ईद पर रिलीज हुई है मूवीज वो देखेंगे। नहीं, मूवीज नहीं देखते हम, नहीं देखते सिनेमा में नहीं। अच्छा, कोई ईद के लिए कोई मज़ेदार सा पैगाम? पैगाम यही है यार, आज निकलना नहीं चाहिए था वैसे, क्योंकि सुबह ईद है क्रिश्चियंस की, लेकिन अब निकल आए तो शॉपिंग करें अच्छी अच्छी और बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमें फर्स्ट लेडी मिले जिन्होंने रोज़ों से पहले ही जो है अपनी शॉपिंग कर ली है, जिस इनका ये भी कहना था कि रोज़ों में शॉपिंग का फ़ायदा कोई नहीं है, इबादत थोड़ी इधर उधर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वकास। आपका नाम? मीरा वकास। कैसी हो? मैं ठीक। ईद की शॉपिंग कर ली? यस। अपनी शॉपिंग अपने हाथ में पकड़ी? हाँ जी। कोई लेना ले? ये बताएं, बहन को अभी शॉपिंग नहीं कराई? नहीं। कितनी कितनी बुरी बात है, बड़ी बहन गली, छोटी बहन अभी देख रही है बहन। अच्छा ये बताओ कौन सी क्लास? टू। और आप? नर्सरी। नर्सरी में। छोटी ने अभी शॉपिंग नहीं की? नहीं अभी नहीं की। क्यों? अभी इनकी मदर कर रही है। अपनी कर रही है? हाँ जी, हाँ जी। ये सही है, खवातीन को वैसे चाहिए शॉपिंग करते हुए जो बच्चे ना अपने हस्बैंड के हवाले कर दे, खुद आराम से शॉपिंग करें। जी ऐसे ही है। आपने कर ली? नहीं अभी नहीं, अभी पहले फैमिलीज की, पहले वाइफ फिर बच्चे फिर आप। जी बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, वाइफ हमेशा पहले शॉपिंग करती है, कभी जेलसी नहीं हुई कि यार इन्हें भी ईद है सिर्फ? नहीं ऐसे कुछ नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपने कब लास्ट पे हुई हुई ठीक है ना हो इतना? नहीं नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, करनी है ईद की शॉपिंग। कितने दिन के ड्रेस? 3 days के। 3 days। ये बताएं कोई पोइम्स वोइम आती है? नहीं। क्या? शायरी। शायरी आती है? अरे वाह, हमें एक छोटी सी शायरी वाली बच्ची मिली, नहीं तो हमने अभी ना सुनी थी। चलो कोई अच्छा सा मजेदार सा शेर सुना दो। दुआ दिल से मांगो लेकिन जुबान से नहीं, दुआ दिल से मांगो लेकिन जुबान से नहीं, दुआ तो उसकी भी कबूल होती है जिसकी जुबान नहीं होती। अरे वाह वाह वाह। इसके अलावा? बस बस। एक आपने तो कहा था अपनी शायरी आती है, तो एक शेर था। बर्गर तो होता है वैसे गोल, बर्गर तो होता है वैसे गोल, लेकिन खाने में उसका लेकिन खाने में उसका मज़ा होता है और बस। और ठीक है, चलो ठीक है, ज़बरदस्त। थैंक यू। तो जी दादी, जैसे कि हमें बड़ी स्वीट से बच्ची मिली, इसने नात के बजाय हमें तो शायरी सुनाई है, अच्छी थी। जो लोग जब चलते जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी दादी, जैसे कि आज का हमारा मौजू ईद को मुतलिक था, शॉपिंग से मुतलिक था, और ये कि क्या ट्रेंड चल रहा है और ट्रेंड को देख कर शॉपिंग करिए या जेब को, तो इस टाइम हमारे से कैसी लेडी मौजूद है, तो लगता है शॉपिंग करके थक चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? खालदा। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं, काफ़ी चीज़ें पकड़ी हुई हैं, शॉपिंग पूरी हो गई? हाँ जी। खुद की है? नहीं, वो मेरे भतीजे की है। भतीजे की है। ये भाई ईद किस तरह गुजारनी है? अच्छे, कहीं पे दावत करनी है, कहीं पे जाना है? कहीं जाएंगे भी। और पहले दिन क्या करेंगे? पहले दिन कहीं जाएंगे। कहीं जाएंगे, अगले दिन भी दावत? फिर अगले दिन दावत। थर्ड डे क्या करेंगे? उस दिन भी दावत करेंगे। दावत करेंगे। ये बताएं कि तीनों दिन की शॉपिंग होगी? हाँ जी हो गई है। तो बाजार जब आप गई थी तो जेब तक की शॉपिंग करी थी या जो फैशन चल रही है जो पसंद आई? ये चीज़ पसंद आई चीज़। जेब नहीं देखी? नहीं जेब नहीं देखी, जेब भी देखी है मगर पसंद आई है चीज़ तो फिर ले ली आप? हाँ जी, वो जेब देख के ली है ना, वैसे तो नहीं ना ली। ईद जैसे कि आने वाली तो चीज़ों की कीमत में कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा, बहुत रेट आगे के आगे चला गया। अच्छा, लास्ट में ये बताएं, ईद में जो फर्स्ट जो होता है खवातीन का ज़्यादातर किचन में गुजरता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आदमी लोग कहते हैं कि भाई खवातीन को शॉपिंग की भी होती है और किचन में उन्होंने सारा दिन गुजारना। हाँ जी। आपके घर के जो मर्द, उन्होंने शॉपिंग कर ली? कुछ कर ली, कुछ नहीं की। थैंक यू सर। ईद को देखते हो कोई मज़ेदार सा पैगाम तो देते हो हमारे नौजवानों को, वो जो लोग गर्मी ईद सो के तीनों दिन गुजार देते हैं? बाज़ लोग तो ऐसे ही हैं, बाज़ लोगों को चाहिए कि गरीबों की मदद करें जैसे हर कोई करता है, तो उनकी भी जाके देखें कि वो कैसे गुजार रहे हैं, अपने इर्द गिर्द देखें कि हमारे कोई रह तो नहीं गया, उसकी मदद करें तो फिर अपनी ईद मनाएं तो कैसा मज़ा आएगा। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, जैसे कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा पैगाम दिया है कि वो लोग जो ईद पर बस अपने ही देखते हैं, उन्हें चाहिए ईद पे अपने ईद गिर्द के भी लोगों को देखें, कोई ऐसा तो नहीं है जो ईद वाले दिन भी कुछ अपनी ईद नहीं मना पा रहा,
तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने लोगों से बात की, उन्होंने बहुत मज़ेदार बातें भी की, जिसमें ख़वातीन का तो ये कहना था कि हम तो तीनों दिन के कपड़े लेंगे, मर्दों ने लेनी है, उन्होंने एक आध दिन के लेनी है, वो भी उनकी मर्जी है, लेना ले, क्योंकि उन्होंने तो नमाज़ पढ़ के आके लेट जाना होता है, हमने ही सबको डील करना होता है, उसके अलावा सेल्फीज़ भी तो अपलोड करनी होती है। तो हमारे साथ एक और शख्स मुद्दत से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल बासित। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ, ईद कैसे स्पेंड करने का इरादा है? ईद बस इस बार जो है ना, ईद अच्छे से गुजारेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले अच्छे से नहीं गुजारते थे? नहीं, इससे पहले कुछ थोड़ा सा जो मतलब हमारे दुनिया के हालात हैं उसकी वजह से थोड़ा सा। दुनिया के हालात ठीक है, हमारी ख़राब हैं? हालात हमारे भी ख़राब हैं और सबसे ज़्यादा दुनिया के ख़राब। अगर दुनिया के हालात ठीक होंगे तो हमारे भी ठीक होंगे ना। अच्छा ये बताओ, पिछले साल आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपकी ईद अच्छी नहीं गुजरी? कोरोना। कोरोना? हाँ। इस दफ़ा? इस दफ़ा कोई नहीं है, इस दफ़ा इजी हूँ। चिल सीन है। तीनों दिन के कपड़े खरीदने हैं? नहीं, अभी लाने हैं, लास्ट में जाएंगे ना, सस्ते मिलेंगे। लास्ट में महंगे रहते हैं? नहीं, सस्ते मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर अपना जो मटेरियल होता है उन्होंने निकालना होता है कि जल्द से जल्द ये बिक जाए ईद से पहले, तो इसलिए फिर रेट। अगर अभी शॉपिंग नहीं की ना, उनको एक छोटा सा जो है टिप दी है कि एंड के दिनों पर लेंगे तो ज़रा सस्ते डिस्काउंट हो जाएगा। ये बताएं, ईद पर कहीं जान के दावत खाने का इरादा है या घर पर दावत के? नहीं जी, मैं एज ए 50% खुद शेफ़ हूँ, खुद ही घर में बैठूँगा, खुद ही घर में। तो कोई बेस्ट चीज़ जो बना के आप खिला सकते हैं सबको, रेसिपीज पर कुछ सेमियाँ में कुछ रेसिपी बता दें? नहीं, वो तो मतलब रूटीन होती है ना हर साल ईद के दिन, तो हर घर में सेवैयाँ या वो फैन सेवैयाँ मज़ेदार करने का कोई टिप देते? जिनकी नई नई शादी हुई है और पहली ईद है और घर में कुछ मीठा खिलाना है, तो उनको सेमियाँ समझे नहीं बनाने आती, कोई मज़ेदार सी टिप? मज़ेदार सी टिप यही है, सेमियों के बारे में तो मुझे नहीं पता इतना, क्योंकि शेफ़ हूँ मैं, थोड़ा सा तीखा सा शेफ़ हूँ, इसलिए तीखे तीखे खाने मैं बना सकता हूँ। ठीक है, बारबेक्यू? बारबेक्यू जी। कैसे? अच्छा जी, बार भी बता दिया तो मेरा हुनर जो है ना वो मिस हो जाएगा, वो मतलब लुक को। ये नाजी नफसा नफसी का दौर है, कोई किसी के काम नहीं अभी फिलहाल आएगा। अच्छा ये बताएं, कोई अच्छा सा आपको कलाम आता हो, कोई नात आती हो या कोई अच्छी सी बात? कलाम पढ़ सकता हूँ मैं। चले नाजी, हम कब कलाम सुनते हैं। जानम फिदाए है दरी या अली अले अले, जानम फिदाए है दरी या अली अली अली, है मुहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली, हक की मंजिल का पहला जीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरे मुर्शद बिया का भी मौला अली, अली मौला अली, हर सू सदाए है दरी या अली जबरदस्त माशाल्लाह। ये बताएं, कब से आपको मतलब कि आपने इसकी कोई प्रैक्टिस की हुई है? प्रैक्टिस की है, बचपन से प्रैक्टिस ही करता आ रहा हूँ। और किन चीज़ों की? बस यही। बहुत ज़बरदस्त, आपके बचपन की जो मेहनत थी वो पता चल रही है आपके वहाँ जी। 26 ईयर मेरी एज हो चुकी है और मैं 10 का था जब से मैंने स्टार्ट किया। यही? जी यही, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा, और मेरा अब तक जो उस्ताद है वो मेरा मोबाइल ही है, अभी तक किसी की शागिर्दी भी नहीं की। ठीक है, ज़बरदस्त। ये बताएं, कहीं पे आपने रिकॉर्ड करवाया है, कहीं ने आपका सुना है? चांस नहीं मिला, मौका नहीं मिला और आइडिया नहीं है अभी तक। अच्छा, अपना फुल नेम बता दें। अब्दुल बासित अली। कहाँ से बिलोंग? शाहदरा से। अच्छा, लास्ट में ये बताएं कि आपके मतलब कि इसके अलावा आपने कुछ और कभी ट्राई करने की कोशिश किया? नहीं, मैंने एक बार ट्राई किया था, तब मेरी सिलेक्शन हो चुकी थी, सिर्फ मेरे आईडी कार्ड की वजह से, तब मेरी एज नहीं थी, आईडी कार्ड की वजह से मिस हो चुका था, तो फिर अगले साल के लिए मुझे उन्होंने बोल दिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं उधर ध्यान ही नहीं गया, बस खुद पे प्रैक्टिस करता रहा हूँ। थैंक यू सो मच जी।
तो जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो कलाम है उसको पढ़ा। मुझे लोगों की तरफ चलते हैं और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि ईद आने वाली है तो इसी वजह से हमने लोगों से बात की, उनसे पूछा कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड को देख के शॉपिंग कर रही है या अपनी जेब को। तो ज़्यादातर का यही कहना था कि हम ट्रेंड को नहीं देख रहे इतना, हम अपनी जेब को देख के शॉपिंग करें। और बच्चों का ये कहना था कि नहीं भाई, हम तो अपनी पसंद को देख के शॉपिंग करें। तो हमारे से एक और लेडी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयशा ज़ुल्फ़िकार। कैसी हैं? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप ये बताएं, शॉपिंग कर ली? हाफ हो गई है, हाफ रहती है। हाफ यानी के एक दिन का, दो डेज के डिसाइड हो गए और एक रहता है। ये बताएं कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है? आप मार्केट में आती हैं, विजिट करती हैं, इतने ड्रेस देखने के बाद तो आपने को कितने दुकानदारों को आपने घुमा के दो ड्रेस जो अभी पसंद किए होंगे? ट्रेंड्स तो वैसे यही चल रहे हैं कि ऑफकोर्स समर है तो लोग लाइट कुछ वेयर करना पसंद करते हैं, जो थोड़ा कैजुअल भी हो, लाइक सबकी अपनी पसंद भी होती है। फैशन क्या चल रहा है? फैशन तो कुछ भी चल जाता है, आप कुछ भी कह लें, कह दें फैशन है, पहन लें कुछ भी और कह दें फैशन है, फैशन है। लेकिन फिर भी अब देखनी होंगी क्या मार्केट में ज़्यादा लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट, फ्रॉक टॉप, क्या फ्रॉक्स वगैरह लोग आजकल ज़्यादा प्रेफर करती हैं, स्पेशली टीनेजर गर्ल्स। लॉन्ग? जी, लॉन्ग फ्रॉक्स। आपने किस तरह की चीज़ें बाय की? मैंने तो एक स्टिच लिया है, तो वो एक ब्रांड से लिया है, और एक जो है मैंने अनस्टिच लिया है, तो वो मैं अभी स्टिच करवा रही हूँ। अब घर वालों ने शॉपिंग कर ली, वो भी रहते हैं? नहीं, उनके वो तो मुझे नहीं पता, अपनी मुझे अपनी से मतलब होता है। तो ये है कि अभी ट्रेंड को देख कर या पसंद को देख कर शॉपिंग की या अपनी जेब को देख? मेरी जो चीज़ नज़रों को अच्छी लग जाए मैं वो ले लेती हूँ। अरे वाह, तो बहुत मुश्किल से यहाँ पे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो जेब कम देख रहे हैं और अपनी पसंद ज़्यादा देख रहे हैं। ये बताएं कि शॉपिंग जो है अपने पैसे से कर रही हैं या वालिद के? ऑफ कोर्स पापा जी के। ऑफ कोर्स पापा के। यहाँ पे नाज़िम, ख़वातीन का ये कहना होता है कि हम जेब को देख के करें, जबकि जो पापा की पड़ियाँ होती हैं और शहजादे होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई, पसंद को देख के। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़िम, जैसे कि हमने इनसे पूछा, इनका भी ये कहना था कि जो है हमारे पापा ने हमारी ईद की चीज़ें लेनी है तो वो हम अपनी पसंद को देख के लेंगे। हमने पॉकेट से हमारा क्या फिलहाल लेना देना है, मुझे लोग इधर से उधर जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़िम, जैसे कि हमने खवातीन को देखा धरा धर शॉपिंग कर रही है, तो यहाँ पे एक और हमें मेल नज़र आया, उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या शॉपिंग में लिया, लड़कों में क्या ट्रेंड चल रहा है। सामने का वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमर। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं ईद को लेकर कितना पुरजोश है? इतना ज़्यादा नहीं, जब एज ज़्यादा होगी थोड़ी, अब इट्स ऑल अबाउट क्या फैमिली के लिए चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं तो अब ज़्यादा होगी है, मतलब एज ज़्यादा होगी है अब, लाइक वो बच्चे ज़्यादा होगी, एज ज़्यादा अब ज़्यादा होता है क्या, फैमिली के लिए चीज़ें लें, घर के बच्चों के लिए चीज़ें लें, अपने लिए बंदा एक सूट लेके ईद गुजार। ये किनका सामान है? ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का सामान है, तो उसकी शादी ईद के बाद, तो हम उसके लिए शॉपिंग कर रहे हैं। ये बताएं कि उसके लिए क्या खरीदा? अच्छा, अभी हमें जूते लिए हैं, मतलब लास्ट वीक, मतलब लाइक दो वीक से तो हम कंजेकेटिव जा रहे हैं, मेन काम अगर सिर्फ जूतों का था वो हमने आज ले लिए सारे, तो ऑलमोस्ट वेयर डन। तो मर्दों में इस टाइम ट्रेंड क्या चल रहा है? ज़्यादातर ऑब्वियसली इतनी शलवार सूट कुर्ता ट्राउज़र अच्छे लगते हैं फर्स्ट डे पे, बाकी आई थिंक ज़्यादातर वही चलते हैं, ज़्यादा साथ मैचिंग आप जूते ले लें, सैंडल्स लें। आदमियों के ट्रेंड्स वगैरह फैशन कुछ नहीं चलता? चल रहे हैं, मतलब वही कह, ज़्यादातर अभी तो कुर्ता ट्राउज़र या शलवार सूट है वो तो लाइक एवर ग्रीन है फैशन, साथ आप खेड़ी पहन लें या आप मतलब फॉर्मल जूते पहन लें, ठीक है। डे टू के लिए ऑब्वियसली आप फर्स्ट वाले ही चला लें सूट, ज़्यादा कोई इतना कहीं ज़्यादा होता नहीं, मैंने आप डे टू के लिए लगता है। एक वक्त होता था कि मर्दों के जो कपड़े होते थे उनके बड़े स्पेसिफिक लाइट लाइट कलर होते थे, बड़े मतलब के सुनाटे वाले, तो अब लड़के देख रहे हैं पैरेट भी पहन रहे हैं, पिंक भी पहन रहे हैं, पर्पल भी पहन रहे हैं, तो कैसा लग रही है चीज़? अभी अच्छा लगता है, आई मीन ऑब्वियसली एक कोई स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कलर के, वो सिर्फ लेडीज़ पहन रही है, अब जेंट्स के लिए अब जैसा पेस्टल कलर्स है जेंट्स पहनते हैं, लाइक पेस्टल पिंक, पेस्टल ग्रीन, और ये सिर्फ ऑरेंज के शेड भी के, बस सब कुछ चल रहा है ऐसे ही है बहुत, लेकिन फिर भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इस तरह कलर, लेकिन अगर जो आपको सूट करे आप डेफिनेटली वो ज़रूर ट्राई करें। अगर पैरेट कलर सूट करता है आप पैरेट फुल तोता बन सकते हैं ईद पर? नहीं, मैंने वैसे रिसेंट लास्ट ईद पे पहना था पैरेट ग्रीन टाइप कुर्ता वाइट, मैंने आपको ही नहीं कहा था पैरेट पैरेट? नहीं, वो अच्छा लग गया था। अच्छा ये बताए, आज से पहले जो देखा जाता था कि आदमी कपड़ों के कलर नहीं होते थे, तो अगर आप उस दौर में होते थे आपने आपको होना था कि यार हमारे भी कलर होने चाहिए, क्या आप फीके फीके से? ऐसे ही है, होना था डेफिनेटली, लेकिन व्हाइट और ब्लैक इस तरह के हैं लाइक एवरग्रीन कलर्स हैं, आप जब भी पहने आपको बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे पर्सनली व्हाइट ब्लैक दोनों बहुत पसंद है, लाइक साथ मतलब डार्क कलर, डार्क ब्राउन, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, तो आई रियली प्रेफर डार्क कलर्स। ईद कैसे गुजारने के इरादा, कहीं पर जाके खाने का या घर में किसी को खिलाने का? ईद पे जाना शायद मुश्किल हो, मेरा ऐसे में डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सेंसिटिव है तो मैं बाहर का ज़्यादा खा नहीं सकता, और अब डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं पूरा रोज़ा आप क्या कहते हैं पूरे रमज़ान में आप डाइट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक रोटे, और ईद पे हम खाना शुरू करते हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल में केसेज यही जा रहे होते हैं ये जी पेट खराब हो, पहले इतना सोचते हैं आपके पता नहीं, ईद से पहले मैंने इतनी डाइट की, ईद के बाद
अगर साथ में टिक्के बड़े हुए हैं तो नहीं भाई नहीं खाने, नहीं फिर थोड़े 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 खाने हैं लेकिन थोड़े थोड़े। ये बताएं कि ये तो होगी ईद की बातें, अभी तक शॉपिंग की है, शॉपिंग करेंगे ना ईद की, एक दिन की करेंगे तीन दिन की करेंगे? प्रॉबेबली दो दिन की, दो दिन की करेंगे बस। ये बताएं जो दो दिन की शॉपिंग की आपने, वो जेब को देख के कर रहे हैं या पसंद को, ये फैशन को? पसंद को देखे, पसंद को देखे, बिल्कुल। मतलब एक सूट मैंने ले लिया। अच्छा आपको लगता है शादी के बाद जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा आप फिर क्या कहेंगे, पसंद को ही है जेब को? तब भी प्रॉबेबली जेब होगी, प्रॉब्लम फिर ज्यादा जो भी आपका स्पाउस बन जाएंगे, हालात बन जाएंगे, हालात बन जाएंगे, क्योंकि स्पाउस के लिए ज्यादा मसला होता है, उनकी चीजें पूरी हो जाए फिर बंदा कहते चले अपने लिए कुछ ले लेता है थोड़ा सा, अगर पैसे बच गए तो। ऐसे ही है घर वालों की, जो आपकी शादी के बाद आपकी फैमिली होगी तो जेब को देख के शॉपिंग कराएंगे, उनकी पसंद या ट्रेंड? नहीं उनकी पसंद को डेफिनेट, और ट्रेंड और पसंद ऑब्वियसली जो भी ट्रेंड की, पीछे से हल्का सा कहेंगे भी तो सही ना कि जेब मेरी, तुम्हें पता है ना? ऐसे ही ऐसे बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बहन ही है तो मदर ही होती है जिनको अब ईद ही देते हैं, तो जब ऑब्वियसली शादी के बाद वाइफ होगी फिर ऑब्वियसली उनका ही होगा या मदर का होगा बस, ज़्यादा और कोई भी नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जी नाज़रीन जैसे कि इन सब ने बात की, इनका भी यही कहना था कि हम जो शॉपिंग, अभी इनकी शादी नहीं हुई तो शादी से पहले जो शॉपिंग होती है वो पसंद को देख के होती है, शादी के बाद जाहिर है जेब को देखकर होगी क्योंकि अपने साथ फैमिली को भी देखना होता है। हम लोग तो चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन जैसे कि आज का हमारा मौजू ईद के हवाले से था कि ईद आने वाली है, कितनी शॉपिंग कर ली है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड को पसंद को देख के शॉपिंग करें या जेब को, तो वैसे कॉल लेडी मुझे से बात करते हैं। सामने को वालेकुम सलाम, का नाम सादिया यूनुस, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। ये बताएं कि शॉपिंग कर ली? हाँ जी शॉपिंग कर ली। तीनों दिन की? हाँ जी तीनों दिन की। चार दिन की तो नहीं की? नहीं नहीं तीन दिन की है। ये बताएं शॉपिंग कितने दिन में आपने, कितने दिन लगे आपको अपने तीन दिन के ड्रेस खरीदते हुए? बच्चों की करनी थी ज़्यादा, अपने पे फोकस कम होता है, ज़्यादा होता है कि बच्चों की जाए, तो इसलिए बच्चों की हम लोगों ने ज़्यादा 10-15 मिनट बेटी के लिए लगते हैं और फिर बेटों के लिए ज़रा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपने अपने पे कितना? अपने पे क्योंकि मैंने अपनी ऑलरेडी की होती है तो फिर अपने पे इतना नहीं मुझे करना पड़ता ज़्यादा, मुझे अपने तीनों दिन की होता है। हाँ जी हस्बैंड ने कर लिया अपनी? हाँ जी हस्बैंड ऑलरेडी, हस्बैंड की भी हो जाती है, वो हम दोनों पहले कर लेते हैं, बच्चों की हम एंड टाइम करते हैं। वाह बड़े मतलब ही पेरेंट्स हैं। ये बताएं ज़्यादातर हम लोगों से बात की तो ये कहना था कि पहले बच्चों की करते हैं फिर बीवी कर ले, फिर हो ठीक है ना वो तो खैर है बंदे की। बच्चों की दरअसल हमने एक दफ़ा कलेक्ट करनी होती है, कलेक्शन करनी होती है तो फिर बाद में हमने सिलेक्ट करना होता है, तो इसलिए हम लोगों ने बच्चों की ऑलरेडी भी की होती है लेकिन एंड टाइम कुछ ऐसी होती है कि फिर दिल कर पड़े तो ले लिया। बताएं क्या ट्रेंड चल रहा है इस टाइम, हम शॉपिंग तो की होगी, क्या बच्चों में क्या ट्रेंड चल रहा है? बच्चों में ट्रेंड ज़्यादातर हमें तो होता है कि हम जीन्स और टॉप वगैरह जो लें छोटी के लिए, और जो बड़ों के लिए है तो उनके जीन्स और शर्ट्स लें, टी शर्ट्स। और आप जो खवातीन हैं उनकी शॉपिंग में क्या स्टाइल ज़्यादा चला है, क्या ट्रेंड चला है? शर्ट शॉर्ट शर्ट फ्रॉक लॉन्ग शर्ट और साथ जो है प्लाजो, आपने भी ये? हाँ जी और हील साथ, हील साथ दी है। ये बताएं आपके छोटा सा आपका बेबी है तो हील में मतलब कि संभाल लेंगे? कम्फर्टेबल होती हैं, क्लाइव की हील यूज़ करती हूँ, वो कम्फर्टेबल होती है, कम्फर्टेबल होती है। ये बताएं हील में सकती नहीं? नहीं नहीं इतना नहीं होता वो, मैंने बताया ना वो कंफर्टेबल काफ़ी होती है, पहन के तो पहले चेक कर लेती हूँ कि कंफर्टेबल है कि नहीं है। नहीं कंफर्टेबल जूती ढूंढना भी एक बड़ा आर्ट है। हाँ जी ये बताएं कि जो शॉपिंग है वो अपनी जेब को देख के कर रही हैं या पसंद की? हस्बैंड ने कभी जेब का नहीं इतना इशू किया तो इसलिए पसंद की होती है। पसंद की जिसपे आता कि दिल आगे बस ठीक है, ये नहीं कि महंगी है क्या करूँ ऐसे नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जी नाज़रीन इनसे हमने बात की, इनका ये कहना था कि पहले हम मियाँ बीवी अपनी करते हैं उसके बाद बच्चों की करते हैं, और रही बात पसंद की और जेब देख के शॉपिंग करने की तो इनका ये कहना था कि हम अपनी पसंद देख के करते हैं, हस्बैंड ने कभी इशू नहीं किया कि जेब देख के शॉपिंग करो, हम लोग की तरफ चलते हो जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन जैसे कि ईद आने वाली है, ना सिर्फ खरीदने वाले इस टाइम धड़ाधड़ शॉपिंग कर रहे हैं, दुकानदार भी इस टाइम खवातीन में मसरूफ है, इनसे बात करते और जानते हैं कितनी खवातीन आ रही है, किस स्टाइल के कपड़े खरीदना चाह रही है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का। बताएं ईद आने वाली है, आप ही के आपका भी यही टाइम होता है चीज़ें बेचने का, चीज़ें सेल हो रही हैं आपकी तो कमाएंगे शमाएंगे, अपनी ईद अच्छी करेंगे, तो आप किस तरह की खवातीन की डिमांड आजकल? वो आजकल ना जो खवातीन की डिमांड होती है हम तो वही पूरी करते हैं, जो ज़्यादातर देखते हैं कि जो चीज़ें किस कलर का देखते हैं, वो तो सभी कलर होते हैं, जो भी अच्छा कलर लगे वो ले लेते हैं कस्टमर। अच्छा आपने ये हाथ में पकड़ा हुआ था और मैं देख रही थी ये बड़ा धड़ाधड़ सेल हो रहे हैं, तो आप दिखा सकते हैं क्या है? ये गाउन है, न्यू रेवल में अभी बनाया है, इसमें प्रिंट भी है और हैंडमेड भी काम हुआ है, ये सारे मोती है जो ना हैंडमेड लगे हुए हैं, ये हाथ से लगे हुए और ये बहुत ज़्यादा अभी न्यू में आया है ना, जरूरत ही नहीं है गले में, ये न्यू चीज़ में आया है ना अभी, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है, इस वजह से ये पकड़ के खड़े हुए हैं, इससे कस्टमर को दिखाते हैं, कस्टमर अट्रैक्टिव होता है, ये हम 2500 का देते हैं।
500। हाँ जी, मुनासिब देते हैं ना, फिर कस्टमर ज्यादा ले लेते हैं। इतने लोग कितनी अब तक सुबह की लड़कियाँ किस तरह के आपसे ले चुकी हैं? ये कम से कम भी 120 मैंने सेल कर दी अभी तक। माशाल्लाह, ये बताएं और आपके पास किस तरह की वैरायटी है? नहीं, ये देखें, ये हमारे पास ज्यादातर वेस्टर्न है। ये फ्रॉक है, न्यू अरावल में आई है, ये स्मोकी फ्रॉक है, ये भी कस्टमर बहुत ज्यादा लाइक कर रहा है और चल रही है काफी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो अजय नाजी, जैसे कि इन्होंने हमें कुछ फ्रॉक्स दिखाए, उनका ये कहना था कि कितने पीसेस जो हैं सुबह के अब तक जो मैं बेच चुका हूँ, खवातीन आ रही हैं, बड़े मज़े से शॉपिंग कर रही है क्योंकि ईद आने वाली है, और जो उनके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो भी जो लेडीज से बहुत लाइक कर रही हैं। तो अजय नाजी, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपने खूब इंजॉय किया होगा। हमने आज लोगों से ईद से मुतलिक बात की, किसका ये कहना था कि ईद की शॉपिंग कर ली, और किसी का ये कहना था कि ईद के एंड के दिनों में हम शॉपिंग करेंगे क्योंकि इस पर थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा था, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। और रही बात ईद की शॉपिंग जेब देख के करनी या पसंद, तो ज़्यादातर का यही कहना था कि हम जेब देख के शॉपिंग करेंगे, महंगाई बहुत है, जबकि पापा के बड़ियों का ये कहना था कि नहीं, हम तो पसंद देख के शॉपिंग करेंगे। इसी के साथ अपनी हाउस से हरमीन को दे इजाज़त, फिर आज उनके किसी नए मज़ेदार से एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।